गले नहीं है, मैं भांडे धोती पई हूं। चल साफ धो ले आंटी। ठीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको औलाद नरीना से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। तो आज अम्मी जी घर पे नहीं है, सारे काम फातिमा और मैं मिलकर कर रहे हैं। ये अम्मी जी ने सुबह लकड़ियां डाली थी इधर सूखने के लिए, तो ये सूख गई है। रात को ना बहुत ज्यादा त्रेल पड़ती है जिसकी वजह से ये दोबारा गीली हो जाएंगी, इसलिए मैं इसके ऊपर ये कागज दे रही हूँ। और अम्मी जी जो है ना आज फिर अस्सी के घर गई हुई है, आज फिर उनका पांचवा दिन था, आज फिर उनके यहाँ दुआ थी, तो अम्मी जी उधर चलेंगी, आज वो नहीं आएंगी उन्होंने बताया। तो फातिमा भी मेरे पास ही है, फातिमा भी मुझे साथ साथ काम करवा रही। पहले इसने बर्तन धोए हैं और मैंने ये काम किया है, अभी चल के और भी काम करने, तो सारे आप सबको दिखाएंगे। तो जी माशाल्लाह से साथ में हमने किचन का काम भी शुरू कर दिया है। भाई मिट्टी लेकर आए थे बाहर से, तो वो अभी मैंने सही करनी है, ये मैं कहीं लेकर आई हूँ। जैसे जैसे हम किचन का काम करेंगे साथ साथ आप सबको भी दिखाते रहेंगे जैसा भी हमारा काम हुआ। पहले तो ये मिट्टी वाला काम है, ये पहले करना है। तो ये वाली जो साइड है ना ये थोड़ी सी नीचे थी, तो भाई बाहर से मिट्टी लेके आए, इधर साली डाल दिया है, तो अभी इसको एक जैसा नहीं किया, अभी वो मैंने करना है ताकि सारी जगह जो है ना बराबर हो जाए। फिर इधर हम सब्जी भी लगाएंगे और साथ में होगा हमारा किचन। अभी ताया बू भी आ गए, उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ कि इसको कैसे बराबर करना है, तभी वो भी हमें साथ में काम करवाएंगे। ये मिट्टी जो है ना थोड़ी आगे पीछे है, तो इसको इस तरीके से करेंगे तो ये बिल्कुल सही हमारी दीवार जैसे बनती है वैसे बन जाएगी। ऊपर से हम इसकी लिपाई कर देंगे। फातिमा भी साथ साथ काम करवा रही है। ये फातिमा का हाल देखिए, फातिमा इधर देखो, मिट्टी लगा ली आपने, मिट्टी झाड़ो झाड़ो झाड़ो। फातिमा इधर आओ, मेरी बात सुनो। जा फातिमा मैं झाड़ू ले आती आज, तू झाड़ू फेरी ठीक है, मिट्टी और आ करी यार कि जा होने आवी। फातिमा आज बहुत सारे काम करवा रही है साथ साथ, जो भी हम काम कर रहे हैं
फातिमा मिट्टी को इकट्ठा कर रही है और खतीजा जो है मिट्टी कूट रही है। उसके बाद ये जो हमारी दीवार है इसके ऊपर गूंद के लगानी है, ये जो नीचे खड्डे शड्डे बचे हुए ये पूरे हो जाएंगे। इधर मिट्टी गूंद के फिर इसके ऊपर लगाएंगे। फातिमा मिट्टी ऐसे करनी है उधर नहीं, बड़ी होड़ी होड़ी होड़ी। और इधर हमारे माशाल्लाह हमने सब्जी भी लगानी, उस साइड पे हम सब्जी लगाएंगे, इस साइड पे हम बनाएंगे खूबसूरत सा एक हमारा एक वो क्या कहते हैं सीन बन जाएगा घर का। और उसके बाद फिर उधर तंदूर लगा होगा और इन झोपड़ियों को भी थोड़ा सा बेहतर बनाना है। तो अभी तो गंदा गंदा काम लग रहा है क्योंकि सर्दियों की मौसम सही तरीके से नहीं आई। आज से तकरीबन 10 दिन बाद सब्जी लग जाएगी, फिर बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये देखेंगे दूसरा, ये नीचे वाला घर है बहुत नीचे हो गया, इधर झोंपड़ियाँ थोड़ी सी ऊँची जगह पे बनाई हमने और इधर साग सब्जी लगाएंगे। जी खतीजा ने अभी मिट्टी कूट ली है, उसके बाद फिर अभी मिला दिया पानी, पानी मिला के अभी गूंदेगी इसको अच्छी तरह, फिर इसके ऊपर लगाएगी। जी ये देखिए, फातिमा आज बहुत काम करवा रही जी। फातिमा पानी लेके आ रही है, खतीजा मिट्टी गूंद गूंद के उधर लगाई जा रही है, बहुत ज़्यादा काम कर रही है। साथ साथ अम्मी नहीं है तो फिर ज़्यादा काम करवाती, जब अम्मी होती है तो फिर काम को हाथ भी नहीं लगाती। फातिमा क्या हो गया? शलवार गंदी हो गई। चलो धो लेना। फातिमा कह रही है जी मेरी शलवार गंदी होगी। फातिमा को अभी लग गई जी भूख, ये फातिमा लेके आई है पापड़ अभी खाने लगी। फातिमा भूख लग गई है? चप्पल चिपा के खासा, बाहर क्यों निकाले थे फिर आपने? काम करते करते जी फातिमा को भूख लग गई जी। तो अभी हमारा थोड़ा सा काम रह गया जी, बाकी ये थोबे लगा लिए खतीजा ने, आज बहुत सारा काम किया है। अम्मी नहीं भी है फिर भी काम कर रही है, फातिमा मैंने भी बहुत ज्यादा काम किया है। फातिमा अभी अपना पसीना पोंछ रही है, पसीना आया हुआ फातिमा? नहीं नहीं, हवा ले रही है जी, पसीना आया हुआ, हवा ले रही है पसीना, इसलिए नहीं नहीं आया। फातिमा ने आज बहुत ही काम करवाया। फातिमा काम करवा जी, तो अभी हमारा काम अभी के लिए ख़त्म हो गया है क्योंकि ये थोबे लगाए हैं ना मिट्टी वाले, ये एक दो दिन में खुश्क हो जाएंगे। फिर इसके बाद इस दीवार को थोड़ा थोड़ा काट के एक जैसा करेंगे, एक जैसा करके फिर पक्की मिट्टी वो भूसे वाली बनाएंगे, फिर उससे लपाई दोबारा करेंगे जी। फातिमा भी अभी हमें काम करवा के अपना काम कर रही है। फातिमा ये क्या कर रही हो? के और की गलती पईया, काम कर दी पईया। काम की कर दी पईया? के बालू दा और गंदी, बालू नो कपड़े पा रही है जी। ये देखें जी, बालू को कपड़े डाल रही है फातिमा। अम्मा दादी, अम्मा अम्मा दादी, अम्मा बुड्ढी, अम्मा बुड्ढी कहें तो फातिमा बहुत तंग होती है। मैं तो थक गई, पानी ले आ दे मेरे। काम कर दी रही, मैं थक गई, मैंने पानी ले आ दे फातिमा। तो जी माशाल्लाह आज के जो हमारे बहन भाइयों के कमेंट है वो आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो जी सबसे पहले एक हमारी प्यारी सी सिस्टर है, सिस्टर नूर फातिमा, वो कह रही है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे प्यारा सा भाई दे। तो आओ फातिमा सिस्टर के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सिस्टर को प्यारा सा
वाला अच्छा और लंबी जिंदगी वाला भाई दे आमीन आमीन। तो जी इसके बाद एक और हमारी सिस्टर है, उनकी आईडी का नाम है डोल। वो कह रही है कि मेरे अम्मी अबू के लिए दुआ करें, उनकी तबीयत खराब रहती है। तो आओ फातिमा आंटी के अम्मी अबू के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आंटी के अम्मी अबू को सेहत दे और लंबी जिंदगी दे हाँ जी आमीन आमीन। तो जी इसके बाद एक और हमारी सिस्टर है, सिस्टर इकरा, उनकी अम्मी के लिए भी दुआ करनी है। तो आओ फातिमा आंटी की अम्मी के लिए दुआ करो। इकरा है हाँ जी, आंटी का नाम इकरा है, उनकी अम्मी के लिए दुआ करनी है। चलो करो ऐसे हाथ। चली गई है वो अल्लाह पाक के पास, चली गई है उनके लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक में, अल्लाह पाक ऊपर होते है ना उनके पास, हाँ जी उधर है। ऐसे हाथ करो। अल्लाह ताला आंटी इकरा की अम्मी को जन्नत में जगह दे आमीन आमीन सुमामी। चलो ऐसे कर लो। तो जी इसके बाद एक और हमारी सिस्टर है, उनका नाम है अस्मा सिस्टर। वो कह रही है कि मेरी तबीयत जो है ना सही नहीं रहती, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। तो आओ फातिमा आंटी के लिए दुआ करो। अल्लाह ताला ऐसे हाथ भी किया करो। अल्लाह ताला आंटी को सेहत दे और लंबी जिंदगी दे आमीन आमीन। तो जी इसके बाद एक और हमारी सिस्टर है, उनकी आईडी का नाम है हमना हारिस। वो कह रही है कि मेरे बेटे जो है ना बीमार रहते हैं, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे लंबी जिंदगी दे। तो आओ फातिमा आंटी के बेटों के लिए दुआ करें। आंटी के बेटों को सेहत दे और लंबी जिंदगी दे बेटा हाँ जी लंबी जिंदगी दे हमेशा खुश रखे आमीन आमीन। पर दूर करे हाँ जी आमीन आमीन सुमामी। चलो ऐसे कर लो। तो जी माशाल्लाह आज के जो हमारे बहन भाइयों के कमेंट थे वो आप सबके साथ शेयर किए हैं। अगर फिर भी किसी का रह जाता है या हमारे सामने नहीं आता तो उसके लिए हम माजरत करते हैं। प्लीज आप सब नाराज ना हुआ करें, अगली नई वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दिया करें। जिनका भी नाम रह जाए गलती से हमारे सामने ना आए तो इंशाल्लाह हम कोशिश जरूर करते हैं कि अगली वीडियो में उसको शामिल किया जाए। और पहले भी 4-5 दिनों से हम अपने बहन भाइयों के हाँ जी साथ शेयर नहीं कर रहे थे मसरूफियात की वजह से, उसके लिए भी हम माजरत करते हैं। तो इंशाल्लाह आगे से हम पूरी कोशिश करेंगे कल से कि सब के कमेंट शामिल किया जाए। तो प्लीज़ जिसका भी नाम रह गया हो तो उसके लिए माजरत, आप इस नई वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर एक अगले व्लॉग में आपका नाम शामिल किया जाएगा। तो जी पैरवर्स ये थी हमारी आज की भी। तो जी एक और हमारी छोटी सी फैन है फातिमा की जितनी है, वो हमारी वीडियो को बहुत शौक से देखती है, उनका नाम है हादिया। तो उनके लिए भी मेरे दिल से दुआएं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे लंबी जिंदगी दे और हमेशा खुश रखे आमीन सुमामीन। फातिमा भी मुझे मिल रही है, हादिया की तरफ से मिल रही हो। चलो ठीक है बैठ जाओ अब। तो जी प्यारे व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मैं इजाजत है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। फातिमा अल्लाह हाफिज करो।